आश्रम, आज रात को 10 बजे मुझे मंदिर में मिलो। अर्जुन, पापा को हमारे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। वो गुस्से में मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। कब? 10 सुबह की फ्लाइट से। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो समझते हैं कि हम दूर रहकर एक दूसरे को भूल जाएंगे, लेकिन हम उन्हें दिखा देंगे कि उनका ख्याल कितना गलत है ना अर्जुन? अर्जुन, 10 महीने में मैं 18 वर्ष की हो जाऊंगी और तुम्हारी बीवी भी। हाँ करूंगा, हर पल हर लम्हा। और फिर उस दिन तुम मेरे सामने खड़ी होगी दुल्हन की तरह, तुम्हारे हाथों में मेहंदी रची होगी, मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा और अपने बाहों की वरमाला तुम्हें पहनाऊंगा। तो आप चाल लेकर देख लीजिए। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा काम एकदम फर्स्ट क्लास होता है। मैं तो कहता हूं कि तुमसे अच्छा मैकेनिक मुंबई में कोई हो ही नहीं सकता। सेठ, अपन अपना गैरेज खोलना मांगता है। गुड आइडिया। क्या है सेठ, 10 महीने में मैं शादी कर रहा हूं और आप तो जानती हैं कि घर बच्चा बीवी संभालने के लिए अपना तो कुछ ना कुछ धंधा होना ही चाहिए। अगर आप गैरेज खोलने के लिए पैसे दे दें। ये रहा तुम्हारा गैरेज और तुम्हारी फैमिली लाइफ। थैंक यू साहब, मैं 2 बरस के अंदर अंदर आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। और अगर नहीं चुका पाए तो समझ लीजिए मैं आपके पास गिरवी हो गया। अबे, घर जाना है कि नहीं? इतना काम करेगा बीमार हो जाएगा। पैसा कमाना है, घर बसाना है। मालती, सपना की चिट्ठी आई है क्या? काश आई होती, मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। क्या बात है? वो अर्जुन बाबू, अमेरिका में सपना की शादी किसी और से हो रही है। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने नारायण साहब को फोन पे अपनी अमेरिका वाली बहन से बातें करते हुए खुद सुना है। कह रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी शादी कर दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? सपना के बारे में बात करने। सपना नहीं, सपना मेम साहब बोलो। वो वापस कब आ रही है? वो वापस नहीं आ रही है, थोड़े ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। चल निकल जाए यहाँ से। उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी क्यों करा रहे हैं? सपना की शादी उसकी मर्जी से हो रही है। ये झूठ है, सपना मुझसे प्यार करती है, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। तू जाता है या तुझे निकलवा दो? मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। जाफर। यस सर। बहुत ही। यस सर। ये आदमी मुझे धमकी दे रहा है, इसे बाहर निकाल दो। चले चले। अगर मुझसे प्यार करती है सची, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं मानेगी। वो कभी तुम्हारा साथ नहीं मानेगी। वो मेरे से किसी से शादी नहीं करेगी। तुम देख रहे थे जी, तुम देख रहे हो, वो मेरे पास जरूर वापस आएगी। साले, यहाँ चाकू लेके आया था? क्यों बे,
चाकू चलाने आया था क्या? जान निकल के बाद नहीं मैं कल ही अमेरिका से वापस आया। तुम्हारे घर गया तो पड़ोसियों से पता चला कि तुम डोंट वरी, तुम जेल से बाहर निकलोगे तो फौरन मेरे पास चले आना। मुझे पता चला, पुलिस ने मेरे घर की तलाशी ली, सब कुछ ले गए, वो 50,000 भी जो आपने मुझे दिए थे। तुम फिक्र मत करो, और बहुत सारे काम मिलेंगे और बहुत सारे पैसे भी। अरे हाँ, याद आया, तुम्हारे घर गया था तो तुम्हारा ये टेलीग्राम आया हुआ था। बाय। सपना, मुझे मालूम था सपना तुम्हारी वफा मेरा साथ देगी। मेरा इंतजार मत करना, मेरी शादी 15 मार्च को है। उस दिन तुम्हारा अर्जुन चुपचाप मर गया, और जो जिंदा रहा उसमें ना जीने की आरजू थी ना मौत का डर। मैं दर्द की सीमा पार कर गया। I'm going to take you now to our investigative division where you can register your complaint. Okay. I'm going to turn you over to Detective who's in charge of our Indian department. If you have a seat here and sign our complaint book, I'll go up and get him now. Thank you. Namaste. Main Captain Morris hoon, Special Branch New York Police. Maine 10 saal tak Hindustan aur Pakistan mein US Embassy ke saath kaam kiya tha, isliye main Hindi bol leta hoon aur thodi si Urdu aur कुछ पंजाबी भी। That's wonderful. ये तो कमाल की बात है। Nice to meet you. Pleasure's mine. ये कपड़े उसी आदमी के हैं, उसने तो मेरे ड्राइवर की वर्दी पहन ली थी ना। ये शायद हमारा पहला क्लू होगा। एक लंबा चौड़ा जवान मालूम होता है, हाँ, और शायद एक हिंदुस्तानी भी। देखने में कैसा था? अपने मुंह पर तो उसने कोई स्कार्फ या रुमाल लपेट रखा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे जैसे पत्थर की थी मूर्ति की हों, नक चमक। और मैं ज्यादा गौर से देख भी नहीं पाया, अंधेरा था। बीवी डर कर चीख पड़ी और एक पल के लिए वो बौखला सा गया। मौका देखकर मैंने उस पर हमला कर दिया, उसकी पिस्तौल गिरी, वो भागा, मैंने उस पर गोली चला दी। वो गोली उसे लगी थी? हाँ, शायद। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो एक लुटेरा था? हरगिज नहीं, एक लुटेरा इतनी मुश्किल प्लानिंग, इतनी मुश्किल मंसूबे बनाकर नहीं लूटता है। मेरा ख्याल है मिस्टर सैगल कि वो आदमी आपका कत्ल करने के लिए आया था। अब चलिए मिस्टर सैगल, हम आपका काम शुरू करते हैं। वो पकड़ा तो जाएगा ना? अगर वो जख्म गहरा है और अगर वो जख्म उसको अस्पताल तक ले जाए तो हम सारे अस्पताल चेक कर सकते हैं। That will be our first step, Mr. Saigal. I see. Thank you. Take care. कल रात मेरी आंखों के सामने किसी ने गौतम को कत्ल करने की कोशिश की। मैं ऐसे डरी कि उसकी सूरत तक नहीं देख पाई, नहीं तो उसका होलिया बताकर उसे पकड़वाने में पुलिस की मदद तो करती। आज इसे अपना कौन सा राज बताया? बताया कहाँ, बताने जा रही थी। मैं कल रात के बारे में सोच रही थी। वो सब भूल भी जाओ ना, बस यही सोचो कि 3 हफ्ते में हमें हिंदुस्तान लौटना है। दिवाली के फौरन बाद बॉम्बे चलेंगे। लेकिन मेरा बॉम्बे जाने को जी नहीं चाह रहा है। Oh, come on, darling. ये भला कभी हो सकता है कि कोई लड़की अपने मैं जाए? Sweet dreams. Good night. Good night.
दादा मैं जरा बाहर जा रहा हूं। संभल के जाना, जरा सा ही तो काम है। 9 बरस पुराने वादे के टूटने का हिसाब चुकाने जा रहा हूं। Good morning. I'd like to see Mrs. Sehgal. May I see your car? She's expecting me. She's in the hot house in the garden. Shall I show the way? It's all right. It's all right. कैसी हो सपना? अर्जुन, नौ बेधड़क परसों के बाद कुछ भी नहीं कहोगी? भगवान के लिए चले जाओ यहां से। मैं भगवान के लिए आया ही नहीं तो उसके लिए चला क्यों जाऊं? नहीं जाऊंगा। अपने आप को यह बताने से डर क्यों रही हो कि बरसों बाद मुझे देखकर तुम्हें बहुत खुशी हुई? खुशी हुई ना? हाँ, मगर डर भी लग रहा है। और तुम्हें कैसा लगता है? मुझे अब कुछ नहीं लगता। 9 बरसों में मेरे सारे एहसास मर चुके हैं, सिर्फ एक एहसास बाकी है, तुम्हारा। तुम्हें भूल जाना चाहिए था। क्या तुम भूल पाई? तुम यहां क्यों आए हो? यह देखने के स्वागन के रूप में तुम कैसी लगती हो। मैं एक सुखी ब्याह औरत हूं। मैं ये नहीं कहती कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया था। किया था प्यार, लेकिन आखिर मेरा बचपन खत्म हो ही गया ना। अच्छा, तो आजकल अपने आप से ये झूठ बोल रही हो? ये सच है। बीती हुई पिछली बातें ना करो अर्जुन। मेरी एक सुखी घरेलू जिंदगी है, प्लीज यहाँ आके उसे तबाह ना करो। और मेरी घरेलू जिंदगी के ख्वाब को तुमने तबाह कर दिया, उसका क्या करूं? बोलो। मैं राजू को पार्क ले जाऊं? ये मेरी बेटी है। मम्मी, मैं राजू को पार्क ले जाऊं? ये राजू कौन है? तुम्हारा छोटा भाई? नहीं, राजू मेरा घोड़ा है। ओ, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। क्या नाम है तुम्हारा? तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ ना राजू को लेके। ए, तुमने अपना नाम नहीं बताया। कोमल। तुम्हें मेरी बेटी का नाम चुराने का क्या हक था? इतनी बड़ी बेवफाई, उसे कोमल पुकारते वक्त तुम्हें यह भी नहीं याद आता कि अर्जुन ने यह नाम अपनी बेटी के लिए चुना था, उस बेटी का जिसका बाप मैं बनने वाला था। अपनी कोख के साथ साथ तुमने मेरे ख्वाब भी बेच डाले। सिर्फ 10 महीने की बात थी सपना, और तुम 10 महीने इंतजार ना कर सकी। अर्जुन, अब तुम जाओ और फिर कभी मत आना। Thank you.
मैं कैसे बताऊं अर्जुन मेरे साथ क्या हुआ? तुमसे मिलना जब बोलिए, मैं पूर्वा चौधरी बोल रही हूँ। कल आपका इंटरव्यू देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये देना। जिस तरह से आपने उस हादसे का एनालिसिस किया है, लाजवाब। लगता है आप भी कभी रंगमंच से जुड़ी थी। एक कलाकार की मानसिकता को बहुत अच्छी तरह पहचानती हैं। हेलो, लगता है कुछ डिस्टरबेंस है। नहीं, वो पैदाइशी है जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि वो किसी न किसी को कुछ साबित करके दिखाना चाहता है? हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अब वो बड़े गुनाह पर उतर आएगा, जैसे कि बैंक रॉबरी। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? इंस्पेक्टर निहाल से ये कह देना, शायद वो उसे रोक सके। लेकिन आप हैं कौन? हिचकॉक। क्या? हिचकॉक। हिचकॉक? रुकिए मैडम। मैनेजर साहब है? बैंक 8:30 बजे खुलता है मैडम। नहीं नहीं, मैं उनकी साली हूँ, बाहर गांव से आई हूँ। अच्छा अच्छा, जाइए। मेरी चिट्ठी आई क्या? दिनाना था हरि रूपा सुंदरा जगदंदरा पाताल देवता हंता अपने सिंदूर लेपना लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना पुण्यता पुण्यशीला। मिस्टर गुप्ता, ये 15 लाख कैश हैं, गिन लो। यस सर। सब घर के पीछे हाथ करो, कोई हिलना नहीं। दिखो मत, दिखो मत, जमीन पे लेट जाओ, जमीन पे लेट। औरत को ऐसे नहीं पकड़ते। कोई भी मर्द किसी भी औरत को ऐसे नहीं पकड़ सकता, सिर्फ ओथेलो डेस्डिमोना को पकड़ सकता है और कोई नहीं।
तसच नाही तो त्रास आपला उगाच. ऐकू, ते माझी चपाती कुठे गेली? ए इन्स्पेक्टर, मेरी चपाती देखी क्या? कुठून मेले येतात सगळे चोर? जान तो पहला हत्था मिला ला है. अरे बहुत हो गया तेरा नाटक, निकाल इसको, चलो. अरे यार मेरा मेकअप खराब मत करना. हराम के पिल्ले, अभी तो शुरू किया तेरा मेकअप. हवालात में जब पैरों तले जमीन खिसेगी ना, सब मालूम पड़ जाएगा. कम ऑन, हम खानाबदोशों को जलजलों का खौफ नहीं होता, क्योंकि हमारे आशियाने जमीन पर नहीं, हमारे कंधों पर होते हैं. जलजला हाँ, अभी तू तूफान देख. हम तूफानों को दुश्मन नहीं, अपना हम सफर समझते हैं. अच्छा, अबे हाथ पकड़ ले, नहीं तो नीचे गिर जाएगा, हड्डियां नहीं मिलेंगी तेरी. कम ऑन, होल्ड हैंड, चलो. अरे इतने जल्दी पर्दा गिरने नहीं दूंगा, अभी काफी नाटक बाकी है. तेरी नाटक की तो ऐसे की. बोलो कौन पुत्रारुमान की जय. जल्दी चलो. पुलिस को चकमा देकर बैंक में डाका डाला. दिस इज रिडिकुलस, हमारी सरकार के लिए शर्म की बात है ये. देखिए कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं, जानते हैं इस खबर का पब्लिक पे कितना बुरा असर पड़ेगा? मगर मंत्री जी, हम उसे रोक तो नहीं सकते ना किसी से बात करने से. वो तो जानबूझकर प्रेस के साथ बात कर रहा है ताकि उसे पब्लिसिटी मिले और हमारी बदनामी हो जाए. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा रिस्क क्यों ले रहा है. सर कभी ना कभी कानून की तरफ से अनजाने में उस पर ज्यादती हुई होगी और शायद उसी का बदला ले रहा है वो पुलिस से. मगर ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा सर, क्योंकि हमने मिसेस चावला के घर से मिले उंगलियों के निशान की छानबीन शुरू कर दी है और शहर के गुनहगारों के निशान के साथ उन्हें मिलाकर भी देखा जा रहा है. और हम बहुत नहीं 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 नहीं, देखिए ये सब लंबे प्रोसीजर से, मुझे चाहिए नतीजा. आई वांट रिजल्ट्स, रिजल्ट्स, रिजल्ट्स. रुकिए, हमारे पुलिस वालों को सिर्फ 2 घंटे की नींद मिलती है, 22 घंटे की उनकी ड्यूटी लगाई गई है. शहर का चप्पा चप्पा छान रहे की कोई सुराग नहीं, जैसे कि वो बैग मिला जिसे रॉबरी के पैसे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया. जहां मिला वहां से अभी तक 25 किलोमीटर के दायरे में हमने हर दुकान में तहकीकात की. अरे भाई सुनो, ये बैग तुम्हारे दुकान से बिका है? ये हमारे का नहीं साहब. ठीक से, मगर अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई कि बैग आया कहां से. मगर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है? और सच बात तो ये है कि इस शहर की औरतों में ये डर फैल चुका है कि पुलिस नाकामयाब हो चुकी है. You have failed, 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 Sir, आप हमारी मेहनत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं. जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ. लेकिन अपोजिशन वाले बात को उछाल उछाल के इतना बड़ा बना देंगे कि पब्लिक को यकीन हो जाएगा कि हम लोग सरकार चलाने के लायक नहीं है. अब कौन से लायक है आप? सर आप ही बताइए पुलिस को और क्या करना चाहिए. आप एक काम कीजिए, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए ताकि लोगों को पता लगे कि हमारी क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, और प्रेस को इस बात का यकीन दिलाइए कि अगले 24 घंटों में हम तुझे गिरफ्तार करेंगे. डोंट ट्राई टू बी सरकास्टिक, ओके? डोंट ट्राई टू बी सरकास्टिक. आप लोग ये भूल जाते हैं कि इस वर्दी के पीछे भी आप जैसा ही एक इंसान है, खुदा नहीं, जो गुनाह होने से पहले ही उस जगह पर पहुंचने का चमत्कार करके दिखा दे. एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन. Yes, go ahead. सर मैं मानती हूँ कि पुलिस ने इस शहर के लिए बहुत बड़ा काम किया है. अब आम आदमी को छोड़ो, क्रिमिनल्स को भी पुलिस सिक्योरिटी देती है, उनकी हिफाजत करती है, गवर्नमेंट की तिजोरी पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए यहाँ वहाँ से बेचारे पैसा कमा कर अपना गुजारा कर लेते हैं. मगर मेरी समझ में नहीं आया कि वही पुलिस 2 खून और 4 डकैतियों के बाद भी एक भी सुराग का पता नहीं लगा पाई. क्या हम इसे पुलिस की मजबूरी समझें या उसकी कमजोरी? देखिए, ये ना तो पुलिस की मजबूरी है ना तो पुलिस की कमजोरी. हम नहीं चाहते कि उस मुजरिम को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं.
We want to keep him guessing. Do you understand? अंदर क्यों जाता है? अंदर वेटिंग चालू है। क्या हुआ? हटो, जाने दो। अरे, है कौन तू? कौन है मतलब? पत्रकार? पत्रकारों के सिवाय ऐसी हालत किसकी हो सकती है? ए, चल हट। देखो, 50 साल हो गए हम स्वतंत्र हो गए, क्या हालत कर दी है? 4 लाइनें लिखी रमाबाई चाल में, जो कुछ हुआ उसके लिए। पहले वो अंग्रेज हम पर गोलियां चलाते थे, अब हमारे लोग गोलियां चला रहे हैं। देखो देखो देखो, अरे देखो, ए कैमरा इधर आओ, देखो ये ले लो, सूरत दिखाओ सबको उनको। वंदे मातरम, काय का वंदे मातरम? 50 साल हो गए बोलते है, काय का इंडिपेंडेंस? आज भी हम पारतंत्र में है। सुनिए सुनिए, साइलेंस प्लीज प्लीज। आपने पुलिस में कंप्लेंट दी थी क्या? आपने पुलिस से शिकायत की थी क्या? पुलिस से शिकायत? पुलिस ने ही तो मेरी हालत की है। देखिए, एक आंख से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुजरिम के सिलसिले में चल रही है। हाँ, वो मुजरिम जो डाके डाल रहा है, डाके डाल रहा है, वो आपके साथ गुप्तगू करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ठीक है, आप कंप्लेंट लिख दीजिए, आई विल पर्सनली लुक इनटू द मैटर। ओके, लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द मैटर। मैडम जी, जरा बैठ दीजिए। लुक इनटू द मैटर, कंप्लेंट। तो हमें एक ऐसा गवाह मिला है जिसकी वजह से हम उस मुजरिम तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं, और जब वो मेरे हाथ लग जाएगा मैं उससे अकेले में कुछ बातें करूंगा। ये रहा मेरा बयान। हाँ, अगर फुर्सत हो तो इसे पढ़ लीजिए। मैडम जी, ये दे देना उनको, दे देना, पढ़ लीजिए इसे। ये लीजिए, शुक्रिया। इट्स ओके, शुक्रिया, यू आर वेलकम। देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान, कौन है वो गवाह? कहाँ है? क्या क्या नाम क्या है उसका? देखिए, उसका आता पता हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। मगर सर, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो पुलिस एक व्यक्ति की हिफाजत नहीं कर सकती वो सारे शहर का जिम्मा कैसे उठा सकती है? आपने मिलने की इच्छा जाहिर की है, आपके घर आकर मिलूंगा। आपका मुजरिम।